हाँ जी फ्रेंड्स, अज आप थोड़े जे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आए जिन्हों के नाल तुहाडियां रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन गईयां। देखो एक मुट्ठी दे विच ही रोटी बंद हो जाती है तो 6 तो 7 घंटे लिए इस तरह ही रोटी रहेगी सॉफ्ट सॉफ्ट। तो इस दे लिए अपनों कुछ गल्लां ध्यान च रखनियां होंदियां ने, जिवें कि आटा गुन्नण वेले कुछ गल्लां ध्यान देन योग होंदियां वा। तो बाकी आपां जदों रोटी बनाउंदे आ, रोटी वेलदे आ जां रोटी नूं जदों आपां सेक ते पकाउंदे आ, थोड़ियां जिहियां गल्लां उदों आपां ध्यान च रख लईए तां आपणियां रोटियां जिहड़ियां 6 तो 7 घंटे के लिए सॉफ्ट रहिंदियां ने ते बहुत ही सोहणियां रोटियां बन के तैयार होंदियां ने। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ जी, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। वेलकम है फ्रेंड्स, ताड़े अपने चैनल से उम्मीद कर तुम सारे ठीक ठाक होवोगे। हाँ जी, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप जो कणक का आटा ले लिया वा, तो यू आप थोड़ा थोड़ा पानी पा के आटे को गुन्ना। आप एक बार पानी नहीं गा पाँगा गा, थोड़ा थोड़ा पानी पा के गुन्ना, क्योंकि जो तुम एकदम ही पानी पा दोगे तो जोड़े आटे वाला डो आ वह बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी पा के आप गुन्ना, तो आप ज़्यादा ना तो आप सख्त आटा गुनना, ना ही ज़्यादा आप नरम आटा गुनना वा। हाँ जी, देखो आप थोड़ा थोड़ा पानी पा के आटा गुन लिया वा, तो हम साइड से जो थोड़ा जहा रहा भी आप इस तरह के नाल मल लवेंगे। तो थोड़ी जी मुक्की देनी आप आटे को, ज़्यादा टाइम नहीं इस स्टेज पर आप इनू मसलेंगे, बस 2 मिनट के लिए आप इस तरह के नाल मसल के इसनों आटे को रख देवे। हाँ जी, देखो आटे को जिन्ना ज़्यादा मसलेंगे उन्नी ज़्यादा रोटी जड़ी चंगी बन के रेडी होंगी है। हाँ जी, देखो अपन 2 मिनट हो गए ने आप आटा मसलद्या, तो हूँ आप उपर 2 चमच के करीब इस उपर पानी पा के आटे को 10 मिनट के लिए ढक देवे। इस तरह ही आप बस आटे को छड़ देवे। हाँ जी, देखो 10 मिनट लिए आटा ढक देवे। हाँ जी, 10 मिनट हो गए ने, तो हूँ आप आटे को दोबारा तो फिर आप 3 तो 4 मिनट लिए मसलेंगे। तो आटा अपना बहुत सैट हो गया, क्योंकि जो आटे आप गुन के रख दें तो आटा अपना सैट हो जाता है। तो हूँ इसमें होर पानी लगाने की भी जरूरत नहीं, आप इस तरह के नाल ही इसमें चंगी तरह के नाल मसलेंगे। हाँ जी, आटे को मसलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होंगे। अगर तुम रोटी सॉफ्ट बनानी चाहते हो तो बहुत ही तुम्हें लगे भी रोटी सोहनी बन के रेडी हो, तो जिन्ना तुम आटे को वध मसलोगे तो उन्नी रोटी सोहनी बनेगी। तो हूँ आप इस 2 वे चमचे के करीब आप दिता है देसी घ्यो। अगर तुम आटा गुन्नण तो पहला इस घ्यो ऐड करते हो, तो जिमें भी आप कोई खस्ता चीज़ बनानी, जिमें मठिया बना ने, बिस्किट वगैरह बनाने ने, तो आटा गुन्नण तो पहला घ्यो पाया जाता वा। अगर तुम रोटी बना रहे हो तो आटा गुन्नण तो बाद घ्यो इस ऐड करते हैं, तो रोटियां बहुत ही ज़्यादा नरम बनदियां ने। तो घ्यो पा के भी आप आटे को चंगी तरह के नाल मसलना वा। देखो जी, आटा अपना बहुत ही वधिया लग के तैयार हो गया, नरम नरम जिहड़ा मुलायम आटा बन के रेडी हो गया। तो हुण आपां तुहानूं रोटियां बना के देखांगे, भी दिखावांगे भी अपनी रोटियां जिहड़ियां किस तरह दियां बनदियां ने। हाँ जी, देखो पेड़ा तुसीं अपने अकॉर्डिंग कर लेना, वड्डा छोटा जिन्ना भी तुहानूं चाहीदा है। तो इसनूं आप लोई बना के हुण इसनूं आपां हुण वेल लवांगे। इसनूं जिहड़ा पड़ेथन आ जिन्ना हो सके आपां घट तों घट लाउणा, अगर आपां पड़ेथन भी ज़्यादा ला लेंगे तो जिहड़ा रोटी पक भी जाती है तो उपर दिसदा जां रहिंदा वा, रोटी उन्नी सोहणी नहीं लगती गी। घट तों घट पड़ेथन ला के आपां रोटी नूं वेल लवांगे। हाँ जी, देखो रोटी अपनी किन्नी सोहणी वेल के तैयार होई है। इस तरह के नाल ही आपां रोटियां वेल के रख लवांगे। तुसीं चाहो नाल दी नाल भी वेल सकते हो, मैं तुहानूं वीडियो दे विच दिखाउणा करके मैं पहलां रोटियां 2 तों 3 वेल के रख लवांगी। हाँ जी, देखो रोटियां बहुत ही सोहणियां आपणियां वेल रहियां ने। हाँ जी, देखो हुण आपां तवा जिहड़ा गैस दे उपर रख लिया, तवा अपना गर्म हो गया, तो थोड़ा जिहा आपां घिओ पा के टिशू पेपर दे नाल जिहड़ा तवे नूं ग्रीस कर लवांगे। अगर आपां सीधा तवा धो के आपां उसे तरह गर्म करके रोटी बनावांगे तो अपनी जिहड़ी पहली रोटी आ वधिया नहीं बनदी गी, रोटी खराब हो जाती है। तो इस तरह के नाल अपनी पहली रोटी भी बहुत सोहनी पक्केगी। जिहड़ी गैस की फ्लेम है वह आपां मीडियम ते पकाउणी हुंदी, अगर आपां हाई ते पकावांगे रोटी अपनी ज़्यादा सड़ जाती है, तो वह वेखण च भी सोहनी नहीं लगती। हाँ जी, देखो रोटी अपनी पहली रोटी है, देखो किन्नी सोहनी बन के रेडी हुई है। तो आप पौणी की हैल्प दे नाल इसनूं सेकदे जावांगे। साढ़े घर रोटी थोड़ी ज़्यादा पकी हुई खाधी जाती है, कच्ची जी रोटी कोई नहीं खाता, इसलिए मैं चंगी तरह के नाल इसनूं सेक लवांगी सारिया साइडां तों। तो देखो रोटियां अपनियां किड्डियां सोहनियां बन के रेडी हुई ने, घ्यो ला के इसमें चुपड़ देंगे। देखो चिट्टिया चिट्टिया रोटियां बनिया ने, तो बहुत ही सॉफ्ट रोटी बन के रेडी हुई। इस तरह के नाल आप सारिया जिहड़ियां रोटियां मैं सेक लवेंगे। हुण मैं तुहानूं तवे तो बिना भी गैस से भी सेकनी दिखा देवगी भी किस तरह के नाल अपनियां रोटियां फुल दियां ने।
हाँ जी देखो आप सीधी गैस से डायरैक्ट रोटी भी सेक रहे हैं, तो देखो रोटी अपनी पूरी दे वांगू फुल गई है। देखो सारिया रोटियां अपनी फुल फुल के पक रही ने, तो बहुत ही सॉफ्ट रोटियां बन दया ने। तो हम रोटियां आप जो डब्बे के टिफिन के रखते हैं, तो नीचे तुम जो कोई बटर पेपर या टिशू कोई भी रख के उपर छोटी जी कोई प्लेट या कटोरी रख लैनी है, तो उपर तुम रोटियां रखोगे, तो इस जड़िया रोटियां पसीना नहीं आता, नहीं ना रोटियां ज़्यादा पसीना आ जाता वा। तो रोटियां देखो कि अपन सॉफ्ट बनिया ने, तो एक मुठ्ठी के रोटी बंद हो रही है, सारिया रोटियां अपन इस तरह सॉफ्ट सॉफ्ट बनिया ने। मैंने उम्मीद है तुम्हें मेरी अज्ज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो में लाइक शेयर जरूर करना, चैनल में जरूर सबसक्राइब करना। थैंक यू।